Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Kanir. In today's lecture series of entomology, I am going to deliver my talk on मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट प्रिय साथियों और विद्यार्थियों आज एंटोमोलॉजी की इस व्याख्यान माला की श्रृंखला में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे मैं आपसे चर्चा करूंगा सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट एंटोमोलॉजी की लगभग चालीस व्याख्यान मालों की एक श्रृंखला पहले मैं YouTube चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ कुछ टॉपिक इसमें रह गए हैं अभी जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है डायपोज का एक लेक्चर है वो अभी पेंडिंग है इसके अलावा ऑरिजिन एंड और इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट जो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो अभी तीन चार टॉपिक इस व्याख्यान माल की श्रृंखला में अभी बाकी हैं और उसके बाद में एक ये बहुत ही शानदार एंटोमोलॉजी की एक पूरी लेक्चर सीरीज कंप्लीट लेक्चर सीरीज बन के तैयार हो जाएगी जो सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों के लिए एक लाभदायक एनसाइक्लोपीडिया के रूप में ये साबित होगी ऐसा मेरा विश्वास है कंपोनेंट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर प्रजनन तंत्र के मुख्य जो कंपोनेंट है या इसमें जो मुख्य जो रचनाएं पाई जाती है उसके अंतर्गत टेस्टिस वासा डिफरेंसिया सेमिनल टेस्टिसमिनल इसके अलावा एस एस सी जो कि दो प्रकार की होती है मीजाडिनिया टाइप की जो कि मीजोडम से उत्पन्न होती है और एक्टाडीनिया टाइप की जो एक्टोडम से उत्पन्न होती है इसके अलावा एक्सटर्नल जेनाइटीरिया तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्य जो कंपोनेंट है या इसकी मुख्य जो कॉन्स्टिट्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो है उसके अंदर टेस्टिस हो गए सेमिनल गएकल इजेक और इस फिगर में इन सभी रचनाओं को जैसे डेपिक्ट किया है जैसे ये एक जोड़ी टेस्टिस में टेस्टिस से ये वास्ट डिफरेंस निकलती है वास्ट डिफरेंस बाद में स्वेलिंग होकर यह सेमिनल वेसाइकल्स में खुलती है डक्ट में खुलता है और डक्ट ये एडिकस नामक रचना जिसको बाह्य नरज के रूप में एक्सटर्नल के रूप में मानते हैं और इसके साथ ये एस एस सिक्वेंस ये इसका एक कंप्लीट लाइन डायग्राम है मेयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इसी डायग्राम को दोबारा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है ग्राफिकल फॉर्म में ये एक जोड़ी टेस्टिस टेस्टिस से वास डिफरेंस निकल रही है वास डिफरेंस का टर्मिनल पार्ट फिर फूल के मोटा हो जाता है जिसको सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं यहाँ पर सुखाणु का स्टोरेज किया जाता है और ये दोनों मिलकर ये संकलन वाहिनी बनाते हैं इजेक्ट डक्ट बनाते हैं और ये मेलजेनाइटेलिया के द्वारा बॉडी के बाहर नामक छिद्र के द्वारा बाहर खुल जाती है ये टेस्टिस का क्लोजअप है जिसमें सबसे बार कनेक्टिव टिश्यूज हैं और इसके अंदर लोब्यूल्स हैं फॉलिकल्स हैं प्रत्येक फॉलिकल से वास इफ्रेंस निकलती है और वास इफ्रेंस मिलके फिर वास डिफरेंस बनाती है ये एक फॉलिकल का हिस्टोलॉजिकल जैसे सेक्शन है इसका क्रॉस सेक्शन दिखाए और इस सेक्शन में आप देख रहे हो सबसे बार कनेक्टिव टिश्यू का आवरण होता है इस कनेक्टिव टिश्यू के नीचे एपिथीलियल सीथ होती है और इसके नीचे ये फॉलिकल नामक स्ट्रक्चर्स हैं और ये फॉलिकल का जो फिर टर्मिनल पार्ट है ये वास्ट डिफरेंस के द्वारा बाहर खुलेगा अब ये जो फॉलिकल है इसके अंदर आपको पूरे स्परमेटोजेसिस के जोन दिखाई देंगे जिस तरह स्पर्मेटोजनेसिस में तीन प्रावस्थाएं होती है मल्टीप्लीकेशन फेज ग्रोथ फेज मेचुरेशन फेज और जितने भी स्पर्म जो होते हैं वो प्रमोडोजम सेल से उत्पन्न होते हैं तो प्रिमोडिज्म सेल है वो स्पर्मेटोकोनिया में कन्वर्ट होती है स्पर्मेटोकोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है फिर स्पर्मेटिट बनता है और स्पर्मेटिट बाद में फिर स्पर्म के अंदर आ, कन्वर्ट होता है तो ये जो टेस्टिस है इनमें गमिट का जो प्रोडक्शन है वो टर्मिनल एंड से स्टार्ट होता है और इस तरह का जो शुक्राणु जनन है वो टीलोगोनिक टाइप का मैकेनिज्म कहलाता है जिन एनिमल्स में स्पेरिकल गोनेट्स होते हैं उनमें गैमिटोजनेसिस की प्रक्रिया होलोगोनिक प्रकार की होती है तो ये एक बेसिक लाइन डायग्राम यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये फोलिकल का पूरा कंप्लीट क्रॉस सेक्शन दिखाया है अब इसमें जो टर्मिनल पार्ट है ये जर्मेरियम कहलाता है क्योंकि जर्मेरियम पार्ट के अंदर जितने भी स्पर्मेटोगोनिया है प्रिमोर्जिजम सेल्स से, है एपिकल सेल्स है वो इस जोन के अंदर प्रजेंट होती है और इसमें जो कोशिका है वो प्राय डिप्लॉयड नेचर की होती है इसके भी नीचे फिर ग्रोथ जोन होता है ग्रोथ जोन के नीचे फिर मेच्यूरेशन जोन और रिडक्शन जोन होता है और रिडक्शन के जोन के नीचे जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है अब इस में ऊपर से नीचे आप जब चलोगे तो आपको spermatogenesis की सभी स्टेजेस आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर जैसे इस पार्ट के अंदर स्पर्मेटोकोनियम है इस पार्ट के अंदर आपको प्राइमरी स्पेरमेटोसाइट दिखाई देंगे इसके नीचे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिखाई देंगे इसके नीचे स्पर्मेटेट्स दिखाई, दिखाई देंगे जो कि हैप्लोइड होते हैं और जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में ये स्पर्मेटिड ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटिड है वो तो नॉन होते हैं और स्पर्म जो होते हैं, ये, आ, टाइप के होते हैं हैं ये टाइप के और इन प्रत्येक फॉलिकल से फिर ये सूक्ष्म नली का निकलती है जिसको वार्सेंस के नाम से जाना जाता है और सभी फॉलिकल्स की वास्फरेंस मिलकर फिर वास डिफरेंस का नाम बना बनाती है और वास डिफरेंस सेमिनल वेसाइकल्स में खुलती है दोनों और की सेमिनिकल वेसाइकल्स फिर कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट में खुलती है और मेल डेलजेनाइटल पोर के द्वारा गोने के द्वारा शरीर के बाहर ओपन होती है हाँ, अब इनकी डिटेल स्ट्रक्चर पे मैं आपसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो मैं चर्चा करूंगा फर्स्ट स्ट्रक्चर इज टेस्टिस <laughs> टेस्टिस में भी सिचुएटेड अबाउट द एलिमेंटिकनर तो इंसेक्ट में जो टेस्टिस है उसकी पोजिशन है वो वेरिएबल होती है कुछ इंसेक्ट में टेस्टिस जो होता है वो एलिमेंट्रिक एनाल के ऊपर उपस्थित होता है कुछ इंसेक्ट में साइड ऑफ द कट एलिमेंट्रिकेनाल के साइड में प्रेजेंट होता है और कुछ केसेस में वेंट्रल ट्विट कुछ केस में एलिमेट्रिकेनाल की वेंट्रल सरफेस भी है प्रजेंट होता है दे मेंटेन इन पॉजिशन बाई ट्रेकी एंड फैट बॉडीज तो एडोमिनल कैविटी के अंदर हिमोसिलोम के अंदर इनकी जो लोकेशन है इनकी जो पॉजिशन है उसकी मेंटेनेंस ट्रेकि और फैट बॉडीज के द्वारा होती है इट्स अवॉइड बॉडी एंड डिवाइडेड इंटू लॉब ये अंडाकार रचना होती है और छोटे छोटे पिंडों में छोट छोटे छोटे फोलाइकल्स में ये डिवाइड होती है इन लॉब्स की संख्या और इनका आर्किटेक्चर अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग प्रकार का हो सकता है जैसे लेपिसमा में इन लेपिस्मा थ्री और फोर सेगमेंटली अरेन्ज बाइलॉट फोलिकल तो सिल्वर फिश जो होती है इसमें तीन या चार सेगमेंट्स वाला बाइलोट फोलिकल्स प्रेजेंट होता है एटेरिगोड इनमें फॉलिकल सिंपल और शेकलाइक -like होते हैं इन न्यूरोपटेरा एन डिप्टेरा दे आर यूनिफोलिकुलर न्यूरोपेरा डिप्टेरा में ये यूनिफोलिकुलर प्रकार के होते हैं इन पेडिकुलस यानी जो बॉडी लाउस जो होती है जू जिसको बोलते हैं अपन इसमें ये बाईफोलिकुलर प्रकार के होते हैं तो यहां पर टेस्टिस की लोकेशन है वो वेरिएबल है और टेस्टिस में फॉलिकल की जो संख्या है उनकी सेप और साइज है वो वेरिएबल है ईस्ट फॉलिकल इज इन प्रत्येक फॉलिकल जो है वो बेलनाकार होता है एंड इट इज लाइंड विथ ए लेयर ऑफ एपिथिलियम एपिथिलियम लेयर के द्वारा ये आवरित होता है विच इज सराउंडेड बाई बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसके चारों ओर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर पेरिटोनियम का कोट होता है तो ईस्ट फॉलिकल इज इन इनसेप एंड लाइंड विथ इन ए लेयर ऑफ एपिथिलियम उउंडेड बाई बेसमेंट मेम्रेन एंड फॉलोड बाई ए पेरिटोनियल कॉट ये इसके अलग अलग जोनेशन दिखाए हैं इसमें इस फोलिकल इज डिवाइडेड इंटू फोर जोन प्रत्येक फोलिकल में चार जोन आपको देखने को मिलेंगे ये चार जोन कौन से है जन मेडियम इसके बाद में ग्रोथ जोन इसके नीचे रिडक्शन जोन या मेचोरेशन जोन और इसके नीचे भी होता है ट्रांसफॉर्मेशन जोन

माइटोसिस के बाद में ये अपने साइज को अटेंड करते हैं इनके साइज में वृद्धि होती है और वृद्धि करने के बाद में इन सेल्स को प्राइमरी स्पेरमेटोसाइट के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर जर्मेरियम में भी जितनी सेल्स हैं वो सारी डिप्लोइड नेचर की होती है ग्रोथ जोन के अंदर भी जितनी सेल हैं वो सारी डिप्लोइड नेचर की होती है इसके बाद तीसरा जो जोन है दैट इज रिडक्शन जोन और रिडक्शन जोन में मियोसिस की परिघटना होती है ट्रांसफॉर्मेशन तो spermatocyte, spermatocyte जोन जो जो इस जोन में क्या होगा स्पर्मेटिड जो होते हैं ये श्रुकाणु के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं ये स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इन टू स्पर्म्स तो ये एक वर्टिकली uh, क्योंकि फॉलिकल है वो फिलामेंटस जैसा है ट्यूबुलर है और इसमें टर्मिनल एंड से वास्टर की तरफ ये चार क्लियर कट जोन इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं इसके, जोन, इसके नीचे रिडक्शन जोन और इसके नीचे ट्रांसफॉर्मेशन जोन और इस तरह का जो गैमिट प्रोडक्शन होता है ये विधि टीलोगिक विधि के नाम से जानी जाती है इसके बाद डिफरेंस फ्रॉम ईच फॉलिकल स्मॉल

एपिथिलियम के द्वारा बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा और वर्तुल पेशियों के द्वारा सर्कुलर मसल्स के द्वारा ये आवरित रहता है इट्स बैकवर्ड एंड लीड्स इन टू द डिजिटल एंड ऑफ द इजेक ये जो नलिका है ये पीछे की तरफ प्रोसीड करती है और संकलन वाहिनी में जाके ये खुल जाती है ऑफन डायलेटेड टू फॉर्म सेमिन इसका कुछ जो हिस्सा है वो प्रसारित होता है बैलून के फूल जाता है ये फुली रचना सेमिनल वैसाइकल के नाम से या शुक्राशय के नाम से जानी जाती है जिसमें इस पन का स्टोरेज किया जाता है इन इंसेक्ट कॉमन मीडियल सेमिनल वैसाइकल्ट कुछ इंसेक्ट में कॉमन मीडियम सेमिनल वसाइकल है वो भी पाई जाती है वास डिफरेंस के बाद में फिर होती है इसमें इजेकुलेटक्ट ईच वास डिफरेंस बिकम्स इलांगेटेड एक वास डिफरेंस

एक सूक्ष्म कैनाल का निर्माण करते हैं विथ ए मीडियन एक्ट्रोड ट्यूब और यह मीडियन का के द्वारा शरीर के बाहर खोलते हैं और शरीर के बाहर खुलने वाली यह नलिका ये, ये संकलन वाहिनी या इजेकुलट डक्ट के नाम से जानी जाती है इसके बाद एडिगस एडिगस जो है एक तरह से बाह्य जन्नांग होते हैं तो नर में जो जन्नांग होते हैं, इनका Uh, मुख्य फंक्शन होता है सुकर्णु को ट्रांसफर्स करना और फीमेल के जो जेनाइटेलिया होते हैं उनका मेन काम होता है अंडों को डिपोजिट करना इसलिए वो अविपोस्टर के नाम से जाने जाते हैं और नर में जो जनंग है ये एक तरह से इंट्रॉमिटेंट ऑर्गेन के रूप में काम करती है एक तरह से पेनिस जैसी स्ट्रक्चर के रूप में ये काम करती है द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द डक्ट इज एनक्लॉज इन ए फिंगर लाइक इमेजिनेशन ऑफ द वेंट्रल बॉडी वर्ल तो इसका जो संकलन वाहिनी का जो टर्मिनल पोर्शन है ये एक नलिकाकार बहिर्वलित संरचना के अंदर ये आवरित रहता है एंड फॉर्म्स फॉर्म ऑर्गन और पेनिस और यह रचना नर जननांग के रूप में या पेनिस के जैसे स्ट्रक्चर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है हाँ इसके साथ इसमें सहायक ग्रंथियां सी लेंस भी पाई जाती है देंस ओपन इंटू द वासा डिफ्रेंस या द डिस्टल एंड ऑफ द डक्ट। तो जितनी भी सहायक ग्रंथिया होती है ये वासा हुआ के अंदर खुलती है या डक्ट के डिजिटल और दो प्रकार की होती है एक तो एक्टाडीनिया दे आर एक्ट्रोडर्मल इन ऑरिजिन एंड ओपन इंटू इजेक एक्ट्रोडर्मल प्रकार की होती है और संकलन वाहिनी भी खुलती है इट इज कॉमनली प्रेजेंट इन कॉलियोटेरा ये कोलियोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है सेकेंड वेराइटी है इसमें मीजाडेनिया दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन ये मेजोडर्मल प्रकार की होती है एंड फाउंड इन ऑर्थोप्टेरा ये ऑर्थोप्टेरा के जो सदस्य हैं उसके अंदर ये पाई जाती है तो इंसेक्ट की एस ग्लैंड से ओरिजिन की बेसिस पे दो टाइप की हो गई है एक्टाडेनिया विच आर एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन एंड मीजाटेनिया विच आर मीजोडर्मल इन ऑरिजिन

गोंद के समान पदार्थ या ग्लू के समान पदार्थ होता है उस ग्लू जैसे मेट्रियल के अंदर ये सुकाणु जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं आशंजित हो जाते हैं और एक गोल स्पर्म के एक झुंड के रूप में एक रचना बन जाती है यह रचना स्पर्मेटोफोर के नाम से जानी जाती है ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन सब प्रीमिटिव ग्रुप लाइक एटेरिकोट्स तो ये ग्रंथियां जो कुछ प्रीमिटिव ग्रुप जो है इंसेक्ट के उन प्रीमिटिव ग्रुप के सदस्यों में ये ग्रंथियां नहीं पाई जाती है जैसे विंगलेस इंसेक्ट है लाइक एट एरिकॉट्स है तो ये एक बहुत ही शॉर्ट में इंसेक्ट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हाँ ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेटरल साइड से जैसे डायग्राम दिखाया है इसमें और बॉडी के एब्डोमन के जो टर्मिनल एंड है उसमें इनकी लोकेशंस को रिप्रेजेंट किया है तो स्टूडेंट इस डायग्राम को भी लेटरल साइड के डायग्राम को भी आ, नोट्स में एग्जाम में इसको ड्रॉ कर सकते हैं और इसी के साथ हमारे महाविद्यालय की तरफ से हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू हैव ए गुड डे हैव ए ग्रेट डे थैंक यू वेरी मच